पंजाब कांग्रेस के नवे बने प्रधान अमरिंदर सिंह राजा फड़िंग अमृतसर पहुंचे। इस दौरान पहला ओह सचखंड श्री दरबार साहिब विखे नतमस्तक हुए ने, जिस तों बाद ओह अमृतसर दे विच साबका विधायकां ते सांसद अते कौंसलरां दे नाल मीटिंग दे राही आउण वालियां संसद दीआं चोणां ते कौंसलर दीआं चोणां दे लई किस तरह जीतियां जाण ते उस दे लई व्योंतबंदी कीती गई है। उत्थे ही उन्हां दे वल्लों कहा गया कि मुख मंत्री भगवंत सिंह मान शराब पींदे ने या नहीं निजी मसला है। इस अलावा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने नु लेके की कुछ क्या आओ सुन दे उन्हां दी जुबानी। पहला भी कह चुके हैं, आज मैं आपके लीडर साहबाना तो ओपी सोनी जी तो और साथियों तो मैं आशीर्वाद लेने वास्ते आया, ब्लैसिंग्स लेने वास्ते आया, क्योंकि इन्हों का मार्गदर्शन और इन्हों का तजुर्बे की बड़ी मैनू लोड़ है। और कितने जोश के नाल अगर होश भी होएगा तो असी चंगे तरीके नाल कांग्रेस पार्टी नूं मजबूत कर सकते। सर भगवंत मान, सर भगवंत मान नूं नालों का एलिगेशन लगदे पे शराब पी के ओह चल गए। देखो किसी की भी निजी जिंदगी है, ये पंजाब के लोगों ने जब देखना की है की नहीं। मैं ये कोई टिप्पा टिप्पणी कोई फर्क नहीं पैंदा, वड्डा ऐलान की हो सकता है। वध तो वध 300 यूनिट बिजली दे फ्री दे सकते हैं, ऑलरेडी 200 यूनिट बिजली का फ्री असी दे रहे हैं। और मेरी उन्हें बेनती है कि रेट जो कांग्रेस पार्टी रेट करके गई सी बिजली दे वो मुकम्मल रखन ते लोगों नू अपने गरंटी दे मुताबिक 300 यूनिट देन फ्री। और एक होर मेरी बेनती है कि 300 यूनिट तो उन्होंने कहा कि अगर एक पॉइंट भी वध हो जाएगा यूनिट तो उरा पूरा उन्हें तो बिल लिया जाएगा। ये ना करे ने सरासर जनता नाल धक्का है। कांग्रेस सरकार में असी चाहे वह 400 यूनिट बिजली फूकदा सीगा, असी उन्हें 200 यूनिट कट के दूजी 200 दा बिल लाउंदे सी। ये कहंदे कि अगर एक भी यूनिट उपर हो गया तो पूरा बिल आया जाएगा। इस मौके साबका कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि गल तां भगवंत सिंह मान इनकलाब जिंदाबादी जरूर करदे ने, लेकिन हमेशा ही उसके उल्ट चलदे ने। नाल ही नशे दे मामले ते बोलदे होए डॉक्टर राजकुमार वेरका ने की कुछ कहा आओ सुनदे आ उन्हां दी जुबानी। जे गुरु महाराज दे चरणां च मत्था टेकण वास्ते आए है, दुगराम तीरथ उन्होंने मत्था टेकया है, जलियाले बाग का भी मिट्टी मत्थे नूं लाई है। मैं महसूस करदा कि कांग्रेस पार्टी एक शहीदां दी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अपनी भविख दीआं जिहड़ियां भी गलतियां है उत्थों सबक सीखेगी और सब नूं यूनाइट लैके चलेगी, ऐसा सानूं सारिआं नूं भरोसा है। असीं आस करदे हां कि नवें प्रधान मिले ने ते हुण कांग्रेस एकजुट हो के दिसेगी ते 13 दी 13 मैंबर पार्लीमेंट सीटां दे उत्ते वी काम करोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे रल के पूरा पंजाब काम करेगा और पूरे पंजाब ये लड़ाई नूं लड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यह है कि परसों बहुत वड्डा दिन सीगा, साका सीगा जलियांवाले बाग दा, भगवंत सिंह मान होरी अमृतसर आउंदे ने पर जलियांवाले बाग नहीं जांदे, तुसीं किवें देख रहे हो? नशे खत्म किए जा रहे। दूसरी गल है कि करप्शन रग रग दे विच भरी है। अज आम आदमी पार्टी सरकार च सारा प्रशासन दुखी है, आम लोग दुखी है, किसी नूं कोई रिलीफ नहीं। अज रेते बजरी और सारे चीज़ों के रेट जड़े आसमान नूं छू रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग पूरे जोरां दे उपर है और भगवंत मान जी गुड फील कर रहे हैं और पता नहीं वो किहड़े नशे दे विच घूमी जांदे आ, किहड़ा गुड फील करदे आ। उन्हां नूं जमीन ते उतरना चाहिए और जमीनी हकीकत तो उन्हां नूं वाकब होना चाहिए। तुसीं नशे की गल की है, बीते दिन ही उन्हां ते इल्जाम लगे ने कि दमदमा साहब वो शराब का सेवन करके गए ने, तुसीं किवें मानदे हो? तुसीं देख नहीं डे हो, सारे चैनलों ने देख लिया यार, गल ही समझदे। मेनली गल है कि जे हुण कोई दूजा जिम्मेवारी ना लवे भई ये नशे किदा खत्म करने हैं तो कोई एक बंदा जिम्मेवारी ले कि चल यार मैं ही पी के खत्म कर देना, तो कोई गल नहीं कर ले खत्म की।